मथुरा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसका जो अलग रूल है वो इस प्रकार का, यदि आपको मान लो सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन देती है, क्या देती है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको समूहवाचक संज्ञा दे दी जाए, समूहवाचक संज्ञा होते ग्रुप की, होती बहुत सारी है लेकिन उसको एक ही माना जाएगा, होती बहुत सारी है लेकिन उसको क्या माना जाएगा? एक ही, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा दे रखी हो एक समूह के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, इसके रूप में एक समूह के रूप में एक चीजें बहुत सारी होती है उसको एक ही समूह में प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमेशा रिक्त स्थान में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। एक वचन ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन जिसको एक ही समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है, होती बहुत सारी चीजें, भिन्न भिन्न अलग अलग चीजें होती है, बहुत सारी होती है, एक ही रूप में होता है उसका प्रयोग, ठीक है। जैसे देखो पब्लिक, फूड, भोजन, पब्लिक होती है बहुत सारे लोग, बहुत सारे होते हैं उसको पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक मतलब एक ही समूह। फूड भोजन बहुत सारे होते हैं उसको फूड बोलते हैं। अनकाउंटेबल है इसको अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल मतलब होता है इसको अपन गिन नहीं सकते। आर्मी सेना, सेना बहुत सारे होते हैं उसको क्या बोला जाता है? सेना ही बोला जाता है, आर्मी ही बोला जाता है। क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, फर्नीचर हुए, सामान हुए, लगेज हुए, लगेज बहुत सारे होते हैं सामान, देन उसको क्या बोला जाता है? एक रूप में लगेज। ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ के साथ कोई संज्ञा जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। फ्लीट, सीनरी, मोब, मोब यानी भीड़ होती है, क्राउड यानी भीड़ होती है। अगर इन शब्दों का प्रयोग दे रखा है तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा होती है, प्रयोग क्या है? एक, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, द आर्मी ऑफ इंडिया यानी भारत की आर्मी, आर्मी का प्रयोग दे दिया, आर्मी का प्रयोग दे दिया, भारत की आर्मी के बारे में बताया जाता है, होती बहुत सारी है, इसको एक ही समूह में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? एक ही समूह में, किसमें? एक ही समूह में इसको रखा जाता है। इसलिए इसके प्रयोग करना पड़ेगा एक वचन क्रिया का, एक वचन क्रिया क्या आएगी? आपका तीज। अगला देखो, द क्लास गोइंग फॉर ए पिकनिक, क्लास आ जाएगी पिकनिक, पिकनिक पर क्लास जा रही है, तो क्लास, क्लास का प्रयोग हुआ तो पूरी क्लास को, पूरे जो स्टूडेंट को जो क्लास होती है, विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी बैठ रहे थे उसको पूरी क्या बोलते हैं? क्लास। तो उस क्लास में ग्रुप बना दिया तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या ये? कलेक्टिव मतलब समूहवाचक, और समूहवाचक है जिसको एक ही रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एक वचन क्रिया का, यहाँ पर भी क्या जाएगी? एक, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला देखो नोट, इसका नोट देखो। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा में तीन शब्द हो रहे हैं, जैसे पुलिस, बिल्कुल, कैटर। कैटर कौन होते हैं? मवेशी। मवेशी मतलब होता है जानवर, मवेशी मतलब क्या होता है? जानवर। तो पुलिस, पीपल, कैटर, अगर इनके ये प्रयोग में हुआ तो यहाँ पर एक वचन क्रिया नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? बहुवचन क्रिया आएगी, प्लूरल लगाएगी। क्या आएगी? यहाँ पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। पीपल हुआ, कैटर हुआ, ये अपवाद है, इसलिए इसको मैंने किस बार दिया? नोट में, नोट में दे दिया। अपवाद है, अपवाद है तो यहाँ पर क्या? बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस सर्चिंग द थीफ, किसको ढूंढ रही है? पुलिस चोर को, चोर को पुलिस क्या कर रही है? ढूंढ रही है। तो यहाँ पर क्या है? पुलिस दे दिया, कलेक्टिव नाउन है, हालांकि क्या नाउन है? कलेक्टिव, यानी यहाँ पर क्या आएगी? बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगी? आर। पीपल, पीपल दे दिया, हैप्पी एट द न्यूज, लोग खुश है इससे, न्यूज से, न्यूज सुन के, तो यहाँ पर पीपल दे दिया, पीपल भी बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बहुवचन क्रिया का। इस प्रकार ये दो नियम आपके कंप्लीट हो गए। टॉपिक का रूल देखो, रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 में क्या बात बताई जा रही है कि अध्ययन के जो कुछ विषय होते हैं, अध्ययन जो अपन पढ़ते हैं, अपन जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के जो विषय हैं, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, साइंस, ठीक है, मैथ, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये अध्ययन के विषय हैं,
अब अध्ययन के जो विषय हैं वो विषय क्या है, दिखते तो बहुवचन है, जैसे मैथमेटिक्स, एस लगना, इकोनॉमिक्स, दिखते बहुवचन, लेकिन किस तरह जो क्रिया भरी जाएगी उनके साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो हमेशा क्या लगाई जाती है, एक वचन। कौन सी लगाई जाती है, एक वचन क्रिया लगाई जाती है। विषय दिख रहे हैं आपको बहुवचन, प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, मतलब दिखना प्रतीत हो रहे हैं, दिखने में बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन होते क्या है, वो एक वचन। क्या होते हैं, एक वचन, और एक वचन में उनका प्रयोग किया जाता है, और एक वचन ही क्रिया लगाई जाती है। ठीक है, जैसे देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, विषय सब्जेक्ट है, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक कठिन सब्जेक्ट होता है, तो क्या है मैथमेटिक्स यहाँ पर विषय है ये, हालांकि इसके अंदर ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने से बहुवचन नहीं होगी, ऐसा लगने से बहुवचन नहीं होगा, ऐसा लगने से बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि ये विषय अध्ययन करने का विषय है, इसलिए इसमें एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर एक वचन क्रिया क्या है, एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा टीच। ठीक है, इधर देखो इकोनॉमिक्स, इसमें भी ऐसा लगता है, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है अर्थशास्त्र, ये भी अध्ययन का विषय, इसको भी अपन पढ़ते हैं, सब्जेक्ट अपन लेते हैं इकोनॉमिक्स आती है, तो इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, हालांकि ऐसा लग रहा है ऐसा करने से बहुवचन नहीं होगा, ये क्या माना जाएगा, एक वचन ही माना जाएगा, इसलिए एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या मानते हैं अपन, अगला समझ, अगर बताएगा रूल नंबर 17, 17 रूल नंबर में क्या किया जा रहा है, कुछ नाउंस, कुछ नाउंस अपन को प्लुरल फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, प्लुरल को तो बहुवचन, बहुवचन फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्या है इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब तो होता है एक वचन क्रिया, एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज दिखने में ऐसा लग रहा है, वेजेज, वेजेज यानी होती है कमाई, पैसा, अगला समय पैसा होता है, कमाई होती है, दिखने में, दिखने में क्या दिख रहे हैं, बहुवचन। ठीक है, प्लुरल फॉर्म में होते हैं, ले इनका प्रयोग जब करते हैं क्रिया में तो क्रिया कौन सी लगेगी, एक वचन, एक वचन ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, दिस न्यूज करेक्ट, ये खबर क्या है, सही है, तो यहाँ पर न्यूज दे रखा है, तो न्यूज दिखने में बहुवचन, ठीक है, प्लुरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्रिया कौन सी लगेगी, एक वचन, तो एक वचन क्रिया लगा दी यहाँ पर, एक आगे बात समझ में, इधर देखो द वेजेज ऑफ सिन, पाप की कमाई, पाप की कमाई जिसको ले जाते हैं, व्यक्ति को डैथ, मृत्यु कर देती है, मृत्यु हो जाती है, पाप कमाई से हो जाती है मृत्यु। तो यहाँ पर वेजेज दे दिया, दिखने में बहुवचन दिख रहा है, किसी का दिख रहा है, बहुवचन, बहुवचन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आपको एक वचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखो तो रिपीट होते हैं, अध्ययन किया जाता है, मतलब अध्ययन के विषय दे रखे हैं, तो विषय क्या होते हैं, पढ़ने के विषय होते हैं, पढ़ने के विषय होते हैं, तो यहाँ पर एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि भले बहुवचन बता रखा हो इसको, फिर भी एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसलिए जी लगा दी यहाँ पर, जी लगा दी, और ये कुछ नाउन है, न्यूज वेजेज वगैरह नाउन होते हैं, देखने में बहुवचन, लेकिन यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर इन नियमों में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।